हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं आज आप लोगों को स्पीड ब्रेकर के पीछे के रहस्य के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि रोडों पे बहुत से स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं और इनका क्या काम है, तो इसके ऊपर मैं आज आप लोगों को अपनी एक विचार देने वाला हूँ। और आप लोग इस विचार को अगर मान सकते हो तो मानना, और कि क्यों स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं रोडों पर। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कई रोडों पर स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, क्यों? शायद इसका महत्व तो होता होगा कि दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, कि मतलब कि दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ही स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है। लेकिन इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक अपनी थ्योरी देने वाला हूं। जैसे कि मान लो आप लोग कि ये एक रोड है, ठीक है, और आपको अपने घर से मान लो कि ऑफिस जाना है, तो आप लोग और आपके घर से ऑफिस तक के जो रास्ते पर चार स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक है, चार, एक दो तीन चार, चार स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं। ये कोई मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको अपनी थ्योरी पेश कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने इसे समझ लिया ना, तो आप लोग कभी भी स्पीड ब्रेकर को जंप नहीं करोगे, आप उसे बकायदा फॉलो करोगे, अगर इस बात को अच्छी तरह से समझते हो तो, और जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मान लो कि आपके घर से ऑफिस तक का चार स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, और बीच में एक कट आ रही है, कट मतलब कि एक बीच में कोई रोड जा रहा है और आपको वो पार करना है स्पीड ब्रेकर के अंदर ही। और आप लोग यमराज जी को तो जानते ही होंगे, इनका क्या काम है, मारना और जिंदा करना जो भी हो, ठीक है। तो मान लो कि यमराज जी ने ठीक 11:15 पर आपके साथ एक छोटी सी दुर्घटना को लिख रखा है अपने हिसाब किताब में कि आज इस व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ेंगे हम, अगर ये 11:15 से पहले आ जाता है तो, ठीक है। और आप लोगों ने क्या किया, आप घर से ठीक 11 निकल रहे हो और आपको अपने ऑफिस पहुंचने में आपको लगेंगे 11:20। अगर आप अपने स्पीड ब्रेकरों को, चार स्पीड ब्रेकरों को अगर फॉलो करोगे तो आपको ठीक 11:20 लगेंगे ऑफिस पहुंचने में। लेकिन आप लोग क्या करते हो, यार छोड़ना जल्दी ऑफिस पहुंचूंगा, स्पीड ब्रेकर को कौन फॉलो करेगा। तो आप लोगों ने पहला स्पीड ब्रेकर फॉलो किया, दूसरा मतलब कि आपने पहला भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, तीसरा भी छोड़ दिया और चौथे को भी छोड़ दिया आपने। और आप कितने बजे पहुंच रहे हो, 11:10 पर। लेकिन आप थोड़ा सा याद करो कि अभी यमराज जी ने अपने खाते में क्या लिखा था कि आज इस व्यक्ति के साथ एक दुर्घटना करेंगे, कैसे, कि अगर ये 11:15 से पहले पहुंच जाता है, चाहे वो 8, 9, 10, 12, 13 जो भी 15 से पहले अगर वो पहुंच जाएगा तो आज इसके साथ एक छोटी सी दुर्घटना होगी जिसमें इसके हाथ पैर टूटेंगे। और आप लोगों ने वही गलती की कि 11:15 से पहले पहुंच गए, क्यों, क्योंकि स्पीड ब्रेकर को फॉलो किया ही नहीं था, तो यहां आपके साथ एक्सीडेंट हो गया। अगर आप लोग स्पीड ब्रेकर को फॉलो करते, ये जो स्पीड ब्रेकर थे, चारों स्पीड ब्रेकर को अगर आपने फॉलो किया होता अच्छी तरह से, क्यों, यहां पर आपकी स्पीड कम होती, अगर आप स्पीड ब्रेकर को फॉलो करते फिर आपको दोबारा स्पीड बढ़ानी होती, फिर दूसरे वाले पे रुकते स्पीड कम करते, फिर तीसरे वाले पहुंचते, तो इससे क्या होता, आपकी समय थोड़ा सा आपको ज्यादा लगता और आप अपने ऑफिस में 11:20 तक पहुंचते, जिससे कि आप एक्सीडेंट से बच जाते। लेकिन आप लोगों को तो स्पीड ब्रेकर फॉलो करना ही नहीं है। तो ये थी मेरी एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर एक छोटी सी थ्योरी। अगर आप लोग इसे फॉलो करोगे तो आपके साथ दुर्घटनाएं कम होगी। मुझे पता नहीं यमराज जी ने किसको कब उठाने का लिख रखा है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यमराज जी के एक किए गए काम को बता रहा हूं आपको कि यमराज जी ने भी शायद ऐसा ही किसी के साथ फिट कर रखा हो कि आज इसको 11:05 पे जब भी उठाना हो। अगर आप लोग सही काम करोगे ना तो आपको यमराज जी उठाएंगे नहीं। तो देख लो, अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी हो तो इसको शेयर करना, और हो सके तो जितने भी स्पीड ब्रेकर आते हैं रोडों पर इनको फॉलो करना, जंप मत करना। धन्यवाद।